हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जामिनेशन। यहां दोस्तों, यहां पर आपकी सीए की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल में जो लेक्चर्स ले रहा हूँ, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि 1 बजे मैं रिविजनरी क्लासेस लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, इसके अलावा जो भी लॉ का पोर्शन है उसका पूरा का पूरा, एंड इसके साथ में 4 बजे हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं पूरे बिजनेस लॉस के। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स जहाँ से भी आते हैं, चाहे वो आरटीपी के हो, एनटीपी के हो या फिर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हो, वो हम लोग वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, कमेंट करो या फिर जो है उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है केस स्टडी, तो वो सब हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, सो मैनी पीपल जॉइनिंग अस, वी हैव प्राची, हेलो प्राची, ध्रुव, हेलो कैरी मनाती, कैरी कैरी का सही नाम बताओ, अभिषेक, अभिषेक है तुम्हारा नाम आई गेस, है ना, अभिषेक सोनी आई गेस, है ना, लेट मी नो योर नेम इनटू द कमेंट बॉक्स। राइट, तो दोस्तों लेट्स क्रैक सी एग्जाम में आपका स्वागत है और यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। राइट गाइस, चलिए तो आज जो है 4 बजे वाली क्लास में कौन कौन था जरा मुझे बताओ। यस, मैंने एकदम सही गैस किया अभिषेक। ओके, सो यहाँ पर देखिए आरटीपी वगैरह भी चल रहा है एंड नॉन आरटीपी भी चल रहा है। आई एम सी ए पिंकेश ठकरानी, आई एम अ बी कॉम ग्रेजुएट प्लस एफ सी ए प्लस डी सा एंड इन 8 ईयर्स आई हैव टॉट अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स सो फार। एंड बेसिकली मैं लॉ और ऑडिट पढ़ाता था अभी तक, एंड अनअकैडमी पे आने के बाद में मुझे और भी सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाने में, यू नो, मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स का हमने जो है एक एम सी क्यू क्लास शुरू किया है जो रात को 11 बजे लगता है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं, वो थोड़ी देर के बाद मैं अनाउंस कर दूंगा। राइट, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद द टॉप एजुकेटर्स। यस, इट्स इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विद द टॉप। अरे एक मिनट, शायद डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्या? ओके, सॉरी। तो अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड इसके अंदर में आप लोगों को वैरायटी ऑफ द बेनिफिट्स मिल जाते हैं। राइट, इसके अंदर में आप लोगों को यू गेट फॉलोइंग थिंग्स। नंबर वन, आपको इसके अंदर में मिल जाता है लाइव क्लासेस, आप डेली जो है आ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। हेलो, गुड इवनिंग हेमू, हाउ आर यू? राइट, यू कैन चैट विद द एजुकेटर्स, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आंसर द डाउट्स। एंड मेरी मानिए दोस्तों, मुझे भी जो है अनअकैडमी में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को भी जो है पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एंड ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, यानी कि फेस टू फेस क्लास के अंदर में बहुत दिक्कतें रहती है, बच्चा जो है आखिरी में बैठा हुआ रहता है। ओके, उसको जो है सुनाई नहीं देता है, फिर कभी वो डाउट्स पूछ नहीं सकता है। पोल आंसर करते समय तो भैया कुछ और ही सिस्टम है, क्योंकि हर जगह कौन बनेगा करोड़पति जवान, वो सिस्टम नहीं हो सकता ना कि ABCD दबाना है करके ऑन ऑल दैट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको अनअकैडमी में मिल जाती है, डेली लाइव क्लासेस और बहुत सारे और पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। यू गेट द स्ट्रक्चर्ड क्लासेस जहाँ पर आपको प्लस कोर्सेज मिल जाते हैं, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना कोर्स चॉइस कर सकते हैं, उसको जो है सिस्टमेटिकली आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू गेट द मॉक टेस्ट ऑल्सो, मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है दोस्तों, तो आप लोग जो है अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। एंड यू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस, यस, आप लाइव क्लास आएंगे वही क्लास जो है रिकॉर्डेड हो जाती है, तो बेसिकली आप लोगों को एडिट बेनिफिट मिलता है और आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर फ्रॉम एनी डिवाइस। ठीक है, तो इतने सारे बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। हेलो प्राची, हाउ आर यू? सो बेटा सब लोग जो है तैयार है, आपके जो दूसरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप बुला सकते हो। राइट, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्लान्स दिए हुए हैं, तो ये 3150 एक महीने के लिए है, तो 12 मंथ्स प्लान भी है, 24 मंथ्स प्लान भी है। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन, कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया है, तो गो गेट द सब्सक्रिप्शन, यूज़ माई कोड PINKESH। मिनिमम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, इस 15,750 रुपीज़, और अगर उसमें आप एक महीने को ऐड कर देते हो तो इट कम्स आउट टू बी 24 मंथ्स प्लान। एक महीने का ज़्यादा कॉस्ट भरो, 12 मंथ आपको फ्री मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 788 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ता है, और ये फाउंडेशन ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के लिए भी है, और इतनी सारी फैकल्टीज आपको उसके अंदर में मिल जाती है कि इट्स अ रियली अ हेवन प्लेस फॉर ऑल द लर्नर्स। ठीक है,
इसके लिए आप लोगों को मेरा कोड इस्तेमाल करना है, माई कोड इज PINKESH, राइट। ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। जस्ट इमेजिन 788 rupees पर मंथ, इट्स टू जो है कम है, राइट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर में, आई विल हेल्प यू टू यू नो गेट दैट सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, ठीक है। मेनली जो है प्लस क्लासेस के अंदर में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसलिए प्लस क्लासेस मेरी चल भी रही है, 8:30 बजे मैं लेता हूँ प्लस क्लासेस। वहाँ पे बहुत ही फोकस्ड है अप्रोच पूरी तरह से, एंड इसीलिए मुझे आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, एंड यू शुड गो फॉर द कोड PINKESH, ओके। तो हमने जो शुरुआत की थी बेटा क्वेश्चन आंसर्स की, हम लोग शुरुआत की थी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, रामा स्वामी वाला ये क्वेश्चन कर लिया था, एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोगों को याद होगा कि कौन सी चीज़ चल रही है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन वारंटी, ठीक है, आई गेस क्या क्या हो गया तो ज़रा बता सकते हो कि लास्ट टाइम हमने कहाँ से छोड़ा था, वहाँ से हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। किसी को याद है? राइट, विष्णु ध्रुव वेलकम टू द क्लास, रमनप्रीत हेलो वेलकम, ठीक है। चलो सब लोग एक दूसरे को हेलो बोलने में बिजी है, कोई भी मेरे को हेलो नहीं बोल रहा है, ठीक है, देखूंगा बेटा आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस पे फोकस कर रहे थे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में हम लोग बियॉन्ड जाते हैं, हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर आते हैं, चलेगा गाइस? यस सर चलेगा, आज ऐसा आप बोलो, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर है, और ये क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा सब कुछ, है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आ जाएगा यहाँ पर, और नॉन सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नंबर वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर, ठीक है। और पहले आप प्राइमरी आंसर बता दीजिएगा कि प्राइमरी आंसर क्या है, उसके बाद अपन देखेंगे उसका सही वाला आंसर कौन सा है, राइट एवरीवन। बेटा सब लोग रेडी हो? रेडी हो तो यो लिख दो बेटा जल्दी से, ऊपर में यो लिख दो जल्दी से, ठीक है। आज सुबह 4 बजे वाली, सॉरी 1 बजे वाली क्लास में बहुत लोग आए थे यार, इट वॉज रियली वेरी नाइस, ठीक है। और बेटा 2-4 दिन और क्लास है सिर्फ, ये वाली जो क्लासेस चल रही है ना 2-4 दिन और है, इसके बाद सीधा हम लोग 1 अक्टूबर को क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, राइट, दैट्स ग्रेट, ओके। विष्णु प्राची आर्ची और हेमू रमन, रमन भी लड़की है पता है आपको, रमन लड़की है, हेमू लड़की है, विष्णु लड़का है, देन ध्रुव लड़का है, और कौन लड़का है भाई क्लास के अंदर में, ठीक है, और कोई नहीं है। अरे बाप रे, 6 लोग वॉच कर रहे हैं और सिर्फ एक ही लाइक है, वो भी मेरी, ठीक है, यस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, और एग्जैक्ट हम लोग जो है 60 मिनट्स तक पढ़ाने वाले, 60 मिनट्स के बाद में एंड करेंगे, राइट। तो 60 मिनट्स हो गए हैं, ये कौन बताएगा मेरे को, ये रमन बताएगी और आर्ची बताएगी, ठीक है, दो जनों को हमने, रमन और आर्ची को हमने जिम्मेदारी दे दी है, बाकी सब लोग हम लोग पढ़ते रहेंगे आराम से, ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन देखते रहे, राम कंसल्ट्स, कंसल्ट्स मतलब बात करता है पहले, ठीक है, उससे जो है पूछता है, पूछताछ करना या फिर जो है सलाह लेता है, राइट। श्याम मोटर कार डीलर, ठीक है, मोटर कार डीलर फॉर द कार सुटेबल फॉर द ट्यूरिंग पर्पसेस, घूमने के लिए उसको जो है चाहिए, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, ठीक है। एंड श्याम क्या सजेस्ट करता है इसको, मारुति सजेस्ट करता है, इसको मारुति सजेस्ट करता है, एंड राम अकॉर्डिंगली बायस इट फ्रॉम द श्याम, द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर द पर्पस। बेचारा राम जो है इज्जत से जो है किस पे विश्वास करता है बेटा, सेलर के ऊपर में विश्वास करता है, और बाद में आप देखते हैं कि ये राम के पर्पस के लिए अनफिट निकली है, राइट गाइस। और बेसिकली आपको तो पता है बेटा यहाँ पर क्या लगता है, केवी टेम्पटर लगता है, तो पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी किसके ऊपर में आती है बेटा, राम के ऊपर में आती है, राइट। बताइए राम जो है गुड्स को वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या राम के पास में गुड्स वापस करने की रेमेडी है कि नहीं है, और अगर है तो किस कानून के तहत है या फिर किस कॉन्सेप्ट के तहत है, वो मुझे आप बताइए, ठीक है। एक छोटा सा हिंट भी दे दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है, राइट। यहाँ पे केवी अटेम्प्ट लगता है कि नहीं लगता है, पहले मुझे एक बात बताओ। सर केवी अटेम्प्ट तो हर जगह लगता है, लेकिन केवी अटेम्प्ट के भी एक्सेप्शंस है, और उसमें एक एक्सेप्शन आता है सर, हम आपको बताते हैं, उस एक्सेप्शन को बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एज टू, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी, सुना है बेटा आप लोगों ने, फिटनेस एंड क्वालिटी, ठीक है। और इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी क्या कहता है सर, हम आपको बताया क्या, ये कहता है कि बेसिकली अगर आप लोग, ठीक है, अपना पर्पस, यानी कि बायर अपना पर्पस किसको बताता है, सेलर को बताता है, राइट। बायर हैज टोल्ड हिज पर्पस, हैड मेड नोन हिज पर्पस, व्हाई ही नीड दैट गुड्स,
एंड द बायर अकॉर्डिंगली जो है किसके स्किल्स पर, किसके भरोसे पर जो है बाय करता है, सेलर के भरोसे पर, सेलर के जजमेंट पर वो बाय करता है. और सेलर उस चीज के किस में बेटा, बिजनेस के अंदर में. सेलर इज ऑल्सो डूइंग दैट बिजनेस, राइट. इस केस के अंदर में क्या नहीं लगता है सर, इस केस के अंदर में कैवियट एंटर नहीं लगता है इस केस में, बल्कि क्या लग जाती है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस लग जाती है. और इस केस में कौन जीतेगा बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर में, लेट मी नो हु इज गोइंग टू विन. श्याम इज गोइंग टू विन और राम इज गोइंग टू विन, ठीक है. बताइए दोस्तों क्या लगेगा. यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस. एक भी कमेंट नहीं आया, किसी का भी कमेंट नहीं आया, एक का तो कमेंट आना चाहिए था, राइट. कौन बच्चा जीतने वाला है बेटा. आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा है ना. मेरे ख्याल से 1 बजे की क्लास में भी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, अभी वाली क्लास में भी अच्छी आवाज आ रही है, राइट. एक भी कमेंट नहीं आया क्या, कमेंट में प्रॉब्लम चलेगा क्या. अरे बाप रे इतने सारे कमेंट आ गए क्या, मैं ऊपर ही रह गया था, सॉरी यार, ठीक है. यस कौन जीतने वाला है बेटा, राम जीतने वाला है और हमारा श्याम जो है बेचारा हारने वाला है. ओके चलिए जय श्री राम. ओके गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर मैंने डाला नहीं है बेसिकली, और आंसर डाला है कि यहाँ पर देखो इन्होंने आंसर कैसे डाला है. इन्होंने आंसर ना इसके हिसाब से नहीं लिया है, किसके हिसाब से, मेरे जो मैंने जिस तरह का आंसर आपको बताया ना उसके हिसाब से इन्होंने आंसर नहीं दिया है. इन्होंने आंसर दिया है कंडीशन और वारंटी के हिसाब से, ठीक है. और इन्होंने कैसा किया है, इन्होंने किया है भाई कंडीशन होता है एक वारंटी होता है. तो राम ने जो चीज़ दी वो क्या थी बेटा, कंडीशन, राइट. समझ में आया कि नहीं, तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ऐसे केस के अंदर में हम चीज़ को वापस कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पर जो कंडीशन है मैं उसको इम्प्लाइड करके भी आंसर दे सकता हूँ, इस तरीके से भी आंसर दे सकता हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर, ठीक है. वैसे आपको कौन सा वाला आंसर ठीक लगा, मतलब इंस्टीट्यूट का ये आंसर ठीक लग रहा है कि मैंने जो आपको आंसर बताया वो ज़्यादा ठीक लग रहा है. मेरे हिसाब से जो है ये वाला आंसर ज़्यादा ठीक है, जहाँ पर आप बताओगे कि भैया हमने उसको अपना पर्पस बताया था और हमने उसके जजमेंट के हिसाब से जो है चीज़ों को खरीदा, वो उस चीज़ के अंदर में जो है बिजनेस भी कर रहा था, तो इसीलिए अपन जो है वो चीज़ वापस कर सकते हैं. वी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. हम लोग क्या कर सकते हैं, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक है. इस तरह से लिखोगे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है देन द इंस्टीट्यूट का आंसर, मेरे हिसाब से तो, ठीक है. इंस्टीट्यूट का भी आंसर वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ इंस्टीट्यूट के आंसर के अंदर में, ठीक है. तो मेरे हिसाब से जो है अपना जो इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी एंड फिटनेस है वो आंसर जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है. यहाँ पर राम ऑब्वियसली दोनों का रिजल्ट जो है एक ही आया है, राम जो है कार को रिजेक्ट कर सकता है और रिफंड भी ले सकता है, जो कि मैंने आपको बताया, राइट एवरीवन, दैट्स ग्रेट, ठीक है बेटा. मनीष भी आया है क्या, बहुत बढ़िया. अमन भी आया, अमन कितने दिनों के बाद दिख रहे हो यार तुम, ठीक है. अमन को मैसेज किए थे हमने ग्रुप के अंदर में कि 100 बच्चे जो है वो नदारत हो गए हैं, काफ़ी 10-12 बच्चों की लिस्ट डाली थी. उसके बाद धनश्री एकदम से मैसेज करती है, सर नहीं 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 मैं तो रोज आती हूँ, आपको जो है कॉमेंट्स नहीं दिखते मेरे, ठीक है. अमन बोला मेरी सर एक बार पढ़ाई हो चुकी है, मैं वापस आऊँगा. एंड आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी हेड डेडिकेट्स की है, इतना अच्छा पढ़े हैं आप लोग, ठीक है. और एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाता है ना, दुख तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पता है दोस्तों दिसंबर एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बाद में आप सब लोग मेरे घर पे मिठाई ज़रूर भेजने वाले हैं, राइट. कितने लोग जो है मिठाई भेजने वाले हैं. अच्छा एक काम करना, मिठाई मत भेजना, 2-2 करोड़ रुपए भेज देना, ठीक है, चलेगा मेरे को वो. ओके चलो कोई दिक्कत नहीं. ओके राइट सर दिन वाले क्लास आ गए, ठीक है, याद आ गए. ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है. कम ऑन रेफरिंग टू द प्रोविजन्स, अब देखो आपको मेमोरी भी टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है. रूल्स बताने हैं आपको, ठीक है. क्या क्या रूल्स बताने हैं बेटा, सेल बाय ऑप्शन के आपको रूल्स बताने हैं, ठीक है. सेल्स बाय ऑप्शन के रूल्स बताने हैं, याद है बेटा आप लोगों को सेल्स बाय ऑप्शन के रूल क्या होते हैं, ठीक है. सेल बाय ऑप्शन के रूल क्या होते हैं, 6 रूल्स है बेटा यहाँ पे, देर आर 6 रूल्स, ठीक है. एक तो बेटा लॉट में अगर आप बेचते हो तो क्या होगा, ठीक है. उसके बाद में एक्सेप्टेंस कब होता है बिट का, ठीक है, कौन सी बिट को एक्सेप्ट किया जाता है. उसके बाद में क्या हमारा सेलर, ठीक है, प्रिटेंडेड बीडिंग का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है. प्रिटेंडेड बीडिंग का अगर इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर में कितने लोग जो है वो रख सकता है एंड ऑल दैट, वो जो है प्रिटेंडेड बीडिंग कब जो है फ्रॉडुलेंट कहलाएगी, राइट. और क्या था बेटा इसके अंदर में, और इसके अंदर में रिजर्व प्राइस रख सकते कि नहीं रख सकते, राइट. एक और बहुत बढ़िया रूल था इसके अंदर में, हमारे जितने भी बायर्स हैं वो चाहे तो क्या कर सकते हैं बेटा, नॉकआउट एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो अपने आप में एग्रीमेंट कर सकते हैं ताकि बिट का प्राइस ना बढ़ पाए, राइट गाइस. तो ये 6 अलग अलग टाइप के देखिए रूल्स हैं इसके अंदर में, और आपको जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया,
तो 5 या 6 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाय शुभी, वेलकम टू द क्लास। यस रुचिता बोल रही है, सर तो आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, एड्रेस में बाद में भेजूंगा बेटा, अभी नहीं भेजूंगा। ठीक है, बाय फॉल ऑफ द हैमर और एनी अदर मैनर। बहुत बढ़िया बात है, यस बहुत बढ़िया। हेलो शुभी, शुभी को सब लोग वेलकम करो आज उसको जो है बढ़िया से। मेरा फेवरेट स्वीट कौन सा है? मेरा फेवरेट स्वीट काजू कतली। सबका फेवरेट, अपना फेवरेट, सबका फेवरेट काजू कतली। ठीक है चलो, दैट्स ग्रेट। ओके, एक काम करना, आप लोग जो है मेरे को मत स्वीट भेजना, ठीक है? अगर भेजना है तो भेज देना, राइट। लेकिन आपके जो मतलब आपके घर में कोई काम करता है या फिर जो जो भी आपको पहचाना, उसको दिवाली के समय जो है एक डब्बा स्वीट्स का दे देना, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। मेरे को मत भेजना, मेरे को, मैं तो खाता रहता हूँ, वैसे भी मोटा हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, राइट। दिवाली के हर सीजन में पता नहीं मोटे हो जाता हूँ, इस बार लॉकडाउन में मोटा हुआ हूँ। ठीक है, एवरी लॉट हैज़ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया, सेलर में एक्सरसाइज रिजर्व प्राइस, बहुत बढ़िया। शुभी ने तो भेज दिया, मेरे को केक भेजा था उसने टीचर्स डे के समय। ठीक है, जिसको एड्रेस पता है वो भेजता है, बाकी सब थोड़ी ना भेज पाएंगे, और मैं एड्रेस बताऊंगा नहीं, वो तो आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। चलो बेटा, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, अगर लॉट्स में अगर आप जो है बेचते हैं, तो उसके इसके अंदर में हर लॉट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, राइट। अगर जिसको जो है इसके बारे में नहीं पता है, तो बेसिकली मैंने क्लास बनाई है, आप जाएंगे बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर अगर आप जाते हैं, वहां पर जाकर आप लोगों को क्या करना है सर, आप लोगों को मेरा प्रोफाइल जो है सर्च करना है। आप सिर्फ टाइप करोगे पिंकेश, तो मेरे ख्याल से पूरे अनअकैडमी में दो ही ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनका नाम है पिंकेश, राइट। एक मैं हूँ, एक दूसरा पिंकेश शर्मा करके है, राइट। वहां पर देखो बेटा, स्पेशल क्लासेस के अंदर में ढेर सारी क्लासेस पढ़ी है, 50 से भी ज़्यादा स्पेशल क्लासेस है। उसमें ऑप्शन सेल की भी क्लास है, उसमें आप पूरा वापस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों कोई इंसान क्या कर रहा है, अलग अलग लॉट बना के बैठा है, समझ में आया कि नहीं। कोई बड़ा वाला फ्रूट है, कोई छोटा वाला फ्रूट है, ऐसे अलग अलग लॉट्स करके बैठा है। तो हर एक का प्राइस क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, और हर एक का कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा बेटा, अलग अलग बनेगा। तो एवरी लॉट विल हैव द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्जी बाजार में आप लोग जाओगे तो सब्जियों के लॉट्स लगते हैं, और वो बंदा जो है एक ही एरिया के अंदर में लॉट्स को बेचता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। चलिए, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, कंप्लीशन कब होता है? ध्रुव ने बता दिया था कमेंट में, कैसे होता है बेटा कंप्लीशन, बाय द फॉल ऑफ द हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर। बच्चा किसको लिखना भूल जाता है? एनी अदर कस्टमरी मैनर को लिखना भूल जाता है, और नंबर कटवा देता है बेटा। आपको नंबर कटुआ नहीं बनना है बेटा, आप लोगों को नंबर बटुआ बनना है, राइट गाइस। बिहार की लैंग्वेज में, बिहार का इलेक्शन चल रहा है ना आजकल, ठीक है। तो फॉल ऑफ द हैमर होगा या फिर एनी अदर कस्टमरी मैनर होगा, उसके अंदर में हो सकता है गोइंग गोइंग गॉन हो, उसके अंदर में हो सकता है शाउटिंग 1 2 3 हो, राइट। नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यस वेरी गुड। नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। राइट टू बिड मे बी रिजर्व, राइट टू बिट कैसा हो सकता है बेटा, रिजर्व हो सकता है। सर कैसे रिजर्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है भाई, हमारा सेलर जो है या फिर अपना जो ऑक्शनर है, वो ऑक्शन स्टार्ट करने से पहले सबको बताएगा कि आप सब लोगों के बीच में, बताएगा कैसे बेटा, नोटिफाई करेगा। नोटिफाई कैसे कर सकते हैं? ओरली भी कर सकते हैं, राइटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बताएगा कि आप सब लोगों के बीच में एक कौन है बेटा, प्रिटेंडेड बिडर है, और ये प्रिटेंडेड बिडर जो है ये बेसिकली जो है किसको अफेक्ट करेगा, बिडिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। ये जानबूझ के प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा, और आप इसको पहचानते नहीं है, और हम आपको बताने भी नहीं वाले हैं कि ये बंदा कौन है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसे कितने लोगों को रखा जा सकता है? अगर आप लोग जो है ऐसे लोगों को रख रहे हैं, तो ओनली 1%, सिर्फ 1% आप रख सकते हैं, 1% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ओनली 1%, कितना लिखा हो बेटा, ओनली 1%। मान लो अगर आपने ये नहीं बताया, सभी जो बिड करने वाले बिडर्स है आपने उनको नहीं बताया, तो ऐसे केस में ये चीज क्या हो जाएगी, फ्रॉडुलेंट हो जाएगी, और जो बाय करने वाला बंदा है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, आपकी वस्तु वापस कर सकता है। बेटा ये सभी चीजें पढ़ी है हम लोगों ने, यस ऑर नो में बताइए, ठीक है, यस ऑर नो गाइस। हाँ सर हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, अभी एक डिसलाइक आया क्या, इतना गुस्सा आ गया था किसी को? हाँ मैं आपको बताता हूँ ये डिसलाइकर वाले कौन है। ये है बेटा साउथ इंडिया के लोग, ठीक है। ये आते हैं बेटा ये समझ के कि इनको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जब इनको दिखता है कि सामने वाला बंदा हिंदी में पढ़ा रहा है, तो ये लोग जो है डिसलाइक करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग,
why are coming into the channel and most of the educators are Hindi teachers, ठीक है, तो इतना उनको सेंस नहीं है, सेंसलेस लोग रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते यार। आपको अगर नहीं पढ़ना है, आपको दिख रहा है भाई हिंदी का क्लास है, अनाउंस रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, तो अनाउंस रहता है कि इंग्लिश लिखा हुआ आता है उसके अंदर, ठीक है, हिंदी लिखा तो हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन सिलेक्टेड होता है कि हिंदी में बोलने वाला ये टीचर, ठीक है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसलाइकिंग इट, ठीक है, यू जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रेस सम ऑफ योर टीचर जो इसी चैनल के अंदर में है, फिर किसी दूसरी चैनल के अंदर में, भाई उसका लॉ का क्लास नहीं चलना चाहिए, यू वॉन्ट टू इम्प्रेस देम, जाकर उनका बूट लिकिंग करो ना भाई, यहाँ पे क्यों आ रहे हो सुनने के लिए, मैं आपको क्या पैसे दे रहा हूँ, क्या पैसे दे रहा हूँ मैं आपको, इट्स जस्ट कम एंड गो, मत देखो चैनल में, मत आओ, छोड़ दो चैनल, बस डिसलाइक करने के लिए आ जाते हैं यार, मेरा ही वीडियो दिखता है कि आप लोगों को डिसलाइक करने के लिए, और किसी का नहीं दिखता, पता नहीं यार, सही में मजाक मस्ती बना के रखे, ठीक है, यस, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। रिजर्व प्राइस, क्या हमारा सेलर जो है रिजर्व प्राइस रख सकता है, क्या वो बंदा अपसेट प्राइस रख सकता है, यस। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है सर, ये तो बताओ, रिजर्व प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, ठीक है, ये ऐसा मिनिमम प्राइस है बेसिकली, जिसके नीचे अगर बिड जाती है तो बिड एक्सेप्ट होने के बाद भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये रिजर्व प्राइस जो है नॉर्मली क्या होता है, उस पर्टिकुलर गुड्स के पीछे में लिखा होता है, ठीक है, या फिर नीचे में लिखा हुआ रहता है, एंड बाद में जो है आप देखेंगे, अरे ये तो क्या हो गया, ये तो जो है रिजर्व प्राइस के नीचे की बिड लगी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक बार महात्मा गांधी का जो चश्मा था, जो कोई इंग्लैंड में भूलकर आ गए थे बेटा, वो जो है चश्मा क्या हुआ था, सेल हुआ था, तो बाद में पता चला कि उसका एक रिजर्व प्राइस था, उस रिजर्व प्राइस के नीचे में वो चश्मा नहीं जा सकता था, इसीलिए वो सेल क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, ठीक है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को बहुत बार ऐसे मैंने देखा है, स्टूडेंट्स आए कि हिंदी में बोलिए हिंदी में बोलिए, फिर मैं उनको बोलता हूँ भैया मैं तो इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता हूँ, आई हैव अ हिंदी क्राउड, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं अपन लोग, ठीक है, तो वो लोगों को नाराजगी हो जाती है पता नहीं क्यों। उसमें से भी कुछ बच्चे होते हैं, जैसे नजिया शेख है, शी इज़ फ्रॉम केरला, ठीक है, केरला में सब लोगों को हिंदी नहीं आता, लेकिन वो बरोबर सुनती है, पूरा जो है वो बराबर जो है सहयोग करती है, इन टर्म्स ऑफ लाइक रिप्लाई विप्लाई सब कुछ बराबर आता है उसका, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं खराब, ठीक है, क्या करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं कंप्यूटर या फोन दोनों से लाइक करती हूँ, दैट्स रियली वेरी कूल नमन, दैट्स रियली वेरी कूल, राइट। चलो प्रिटेंडेड बिडिंग की बात करते हैं फिर से, इफ अ सेलर मेक्स अ यूज ऑफ द प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, देन इस केस के अंदर में सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, क्योंकि उस बंदे ने हो सकता है क्या नहीं किया हो बेटा, नोटिफाई नहीं किया हो सकता है उस बंदे ने कितने लोग रखा हो बेटा, मोर देन वन लोग रखा हो, अगर मोर देन वन लोग रखा है तो उस केस के अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, ये अवॉइडेबल हो जाएगा, राइट गाइस। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ये किस में आएगी बेटा, ऑक्शन सेल के रूल्स वगैरह में आएगी, ठीक है। नाउ गोइंग टू, हम सब अच्छे बच्चे हैं, यस यू आर द क्यूट बॉयज गर्ल्स टाइप, सब लोग अच्छे बच्चे होते हैं, बस थोड़े जो है कुछ गलत चीज़ों में आ जाते हैं, ठीक है, उनको बचपन में मालूम नहीं क्या सिखाया हुआ रहता है, माँ बाप बोलते हैं जाओ बेटा ये अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ नहीं है, इसको जो है अच्छा बोलो उसको बुरा बोलो, सब अच्छा होता है यार, सब अच्छा होता है, ठीक है। हो सकता है उनको उन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हो, राइट, मैं ऐसे बोल देता हूँ ना क्लास के दौरान कि ये आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी होगी तो पूरा नहीं समझेगा, तो वो दिल पे ले लेते, उनको लगता है सही में उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं समझने वाला, वैसे भी उनको क्या घंटा आता है उनको ज़िंदगी के अंदर, डिसलाइक करने वाले इंसान को कुछ आता है क्या, ठीक है। डिसलाइक आपको करना है तो आलिया भट्ट का टेलर है बेटा उसको डिसलाइक करो, महेश भट्ट की पिक्चर है उसको डिसलाइक करो, ठीक है, मैं तो हीरो हूँ मेरे को तो आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है। हमारे बच्चे आप डिसलाइक जब करते हो ना, एक्चुअली मेरे को डिसलाइक नहीं करते, आप जो कमेंट बॉक्स में बैठे हुए इतने सारे बच्चे हैं ना ईमानदारी से बैठे उनको डिसलाइक करते हो, आप चाहते हो कि ये टीचर क्लास नहीं ले ताकि उन बच्चों का नुकसान हो, ठीक है, वो आपको डिसलाइक करते हैं मुझे नहीं करते, ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। चलो बेटा ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, यहाँ पे लिखा है रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच When the goods are delivered to the buyer on approval or sale or return basis or other similar terms, the property therein passes to the buyer. ये कब होता है बेसिकली, आपको पता है ना सेल और अप्रूवल वाली चीज जब चलती है तो सामने वाले बंदे ने अगर क्या दी है, अप्रूवल दी है तो, ठीक है,
अगर वो बंदे ने क्या दी, अपनी एसेंट दी, या फिर जो है कौन सा टाइम खत्म हो गया, रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि स्पेसिफाइड टाइम था वो स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो गया, ठीक है, या फिर एक और चीज़ है, याद है बेटा, वो बंदे ने जो है अप्रूवल भी नहीं दी, टाइम भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जो है गुड्स को क्या कर दिया, रीसेल कर दिया या फिर उसको प्लेज कर दिया। इन सभी सिचुएशंस के अंदर में सेल बाय अप्रूवल में क्या हो जाती है बेटा, सेल हो जाती है, वो ओनरशिप किसको पास हो जाती है, बायर को ओनरशिप मिल जाती है। याद होगा बेटा आप लोगों को ये, या ऐसे कहीं आपने सुना होगा अकाउंट्स के अंदर में आपने ऐसा सुना होगा। आर्ची क्या सोच रही है बेटा, ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। प्रीति जोशी को क्या कहती है, जोशी ये लेकर जा, राइट, सेल और रिटर्न बेसिस, यार पसंद आएगी तो रखना नहीं तो वापस कर देना, ठीक है। यस बहुत बढ़िया सर, केस कर दूंगी डिसलाइकर्स के ऊपर, सोशल मीडिया पर लीगल तो नहीं है, हाँ उसके बाद में बैन ही सिग्निफाई से सेंटेंस, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अब शांति से बेटा पढ़ते हैं आराम से, ठीक है शांति से पढ़ते हैं। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद में मिस्टर जोशी फ्लैश द मोटर कार टू मिस्टर गणेश, ठीक है। अब देखो प्रीति ने किसको दी बेटा ये बाइक, बाइक बोल रहा हूँ, ठीक है मोटर कार है, ठीक है कार है, ठीक है, ये कार जो है जोशी को दी और जोशी ने ये प्लेच कर दी। प्लेच करना मतलब गिरवी रखना, राइट, किसके पास में गिरवी रख दिया, गणेश के पास में, और गणेश से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो बताओ दोस्तों मिस्टर जोशी ने एक प्रकार से मिस प्रीति से जो है ये चीज़ खरीदी कि नहीं सर, क्या इसको माना जाएगा सेल, यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है। यस बताइए दोस्तों यहाँ इसको सेल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्या प्रीति जो है पैसे ले सकती है कि नहीं ले सकती है जोशी से, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो बेसिकली सेल और अप्रूवल में जब आप एक्सेप्टेंस नहीं देते, जब टाइम भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन आप अगर इसको रीसेल कर देते हो, प्लेच कर देते हो, तो एक प्रकार से आप खरीदने के लिए तैयार हो गए हो, और जब आप खरीदने के लिए तैयार हो गए हो तो उस केस के अंदर में क्या होगा बच्चा, वेरी गुड, ठीक है यस बहुत बढ़िया, ठीक है दैट्स ग्रेट, एवरीबडी इज करेक्ट, एवरीबडी इज करेक्ट। नंबर वन क्या आएगा बेटा, सिग्निफाइज इज अप्रूवल, यस सर। नंबर टू क्या आएगा बेटा, डज नॉट सिग्निफाई इज अप्रूवल ऑल द एक्सेप्टेंस बट रिटेन्स द गुड्स फिक्स टाइम के बियॉन्ड, या फिर फिक्स टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम, ठीक है। और सबसे आखिरी में लिखा हुआ है व्हेन समथिंग द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स ही प्लेजेस और सेल्स द गुड, ठीक है, या तो उसको प्लेज कर देता है या फिर क्या कर देता है, सेल कर देता है, राइट सर। तो इस केस के अंदर में मिस्टर जोशी ने क्या, देखो पहले पूरी कहानी लिखी आपने, उसके बाद में क्या लिखा, कंक्लूजन लिखा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पहले प्रोविजन लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर को भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद में जो है कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखा आप लोगों ने, कंक्लूजन लिखा आप लोगों ने भाई, मिस्टर जोशी ने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, प्लेज कर दिया, इसका मतलब ओनरशिप किसके पास आ गई, जोशी के पास आ गई। सर जोशी ने अभी तक प्रीति को जो है पैसे नहीं दिए, अरे भाई पैसे देने की जरूरत है क्या, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर सेल है, प्रीति कैन टेक द मनी फ्रॉम जोशी एज अ जोशी सिग्निफाइड इट बाय द प्लेज, दैट्स ग्रेट गाइस, ऑसम ऑसम, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट इस तरह के बहुत ही चिंदी चिंदी क्वेश्चन क्यों पूछता है, देखो बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बताओ गाइस इस तरह की चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछने चाहिए क्या, आप बता सकते हो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के जो है कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है। चलिए सर ये तो हमारे बाया हाथ का खेल है, हम क्या करते हैं सर ऐसे लाइन लगाते हैं, पहले इसके अंदर में डालते हैं कि क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर टू लाइन लगाते हैं जिसके अंदर में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर थ्री लाइन लगाते हैं किसका ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी का। नंबर फोर लाइन लगाते हैं वो क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो किसके लिए होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए प्राइस के लिए, राइट। चलिए देखते हैं एग्रीमेंट बिटवीन किसके बेटा, बायर और सेलर, ठीक है। ट्रांसफर कैसा होता है बेटा, इमीडिएट होता है या फिर डेफर्ड होता है। प्रॉपर्टी किस में रहेगी बेटा, गुड्स में। गुड्स कौन सी गुड्स रहेंगे बेटा, मूवेबल गुड्स रहेंगे। और प्राइस चलेगा बेटा, प्राइस शुड बी द लीगल टेंडर एंड नॉट द एनी अदर थिंग, बार्टर सिस्टम वगैरह नहीं चलेगा। यस सर, हाय खुशी, हाउ आर यू खुशी साहू, कहाँ से आप इतनी देर से, ठीक है। सो आई होप ये पूरा क्लियर है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये लिख पाओगे एग्जाम के अंदर में, बहुत बढ़िया मनीष वर्मा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इमीडिएट ट्रांसफर को क्या कहते हैं जल्दी बोलो बेटा, और डेफर्ड ट्रांसफर को क्या बोलते हैं जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से। इमीडिएट ट्रांसफर को क्या कहते हैं और डेफर्ड ट्रांसफर को क्या कहते हैं, कोई बोल सकता है, बता सकता है।
यस, कंसिडरेशन हमेशा कौन सी होनी चाहिए? मॉनेटरी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, इट शुड बी द मॉनेटरी कंसिडरेशन, दैट सुपर मनीष, राइट? यस, इमीडिएट सेल को क्या कहते हैं भाई? इमीडिएट सेल को, इमीडिएट को बोलते हैं सेल, और डेफर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट टू सेल, एटीएस। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट सुपर, एवरीबडी इज गोइंग रियली वेरी ग्रेट, अमेजिंग गाइस। अब मैं देखता हूँ बेटा इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है। ये रहा इंस्टीट्यूट का आंसर, मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, प्राइस जो है किस में नहीं होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम द बायर टू द सेलर, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशन कौन सी बेटा? पेमेंट के रिस्पेक्ट में कंडीशन हो सकती है, डिलीवरी के रिस्पेक्ट में कंडीशन हो सकती है, राइट? एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, बाकी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, राइट गाइस? ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? अच्छा भाई को एक बात बताओ, आप ही बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऊपर है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऊपर है, बताइए गाइस, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऊपर है कि सेल्स ऑफ, कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कभी भी कोई भी इनकंसिस्टेंसी आती है किसके बीच में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो आप किसको ऊपर मानोगे? ठीक है, आई एम गुड सर, हाउ आर यू? मैं सुपर, सुपर, सुपर से भी ऊपर, राइट? कम ऑन गाइस, यस, बहुत बढ़िया, रुजुता ने सबसे पहले बोला है, रुजुता ने गलत बोला एक्चुअली, ठीक है। सबसे ऊपर कौन आता है बेटा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो पहले हम किसका दर्शन करेंगे भाई? पहले हम लोग जो है सोगा का दर्शन करेंगे। सोगा में हमको कोई चीज नहीं मिली तो हम जो है किसका दर्शन करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दर्शन करेंगे, राइट? अच्छा, ये गुड्स के लिए सोगा है तो मुझे बताइए बेटा इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है? व्हाट इज द लॉ फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी गाइस, इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा लॉ है? सर, इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए TOPA, TOPA का मतलब क्या होता है सर, बताओ? TOPA का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या हो गया ना, सुबह से एक बंदा मेरे को कॉल कर रहा है, जब मैं उसको कॉल करता हूँ तो फिर वो कॉल नहीं उठाता है, फिर उसके बाद में उसका कॉल आता है 2-3 बार, फिर मैं नहीं उठाता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ, फिर वो नहीं उठाता है, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया, TOPA का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, आप लोग जो है बहुत ऊपर जाने वाले हैं। दैट्स इनक्रेडिबल, चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों ने एकदम सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैम होगी, अरे ये हेमू पीछे पड़ गई है यार, हेमू को बताओ, ऐसा नहीं होता है बेटा। कल भी मैं गया था पिकनिक पर और आप जो है मैम 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 चिल्ला, कोई मैम नहीं है बेटा, मैं अकेले गया था वहाँ पे, मैं सेल्फी लिया, पता है आप लोगों को, सेल्फी लिया मैंने, ठीक है, सेल्फी लिया, मैं आपको कल पिक्चर भी भेजा था ना, है ना, सेल्फी है बेटा वो, सेल्फी, सेल्फी मैंने ले ली आज, मेरे सिर पे फूलों का ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैं लेता जाऊं खुद का खुद, ठीक है, खुद का खुद। चलो बेटा, ओके, चलिए, सही बोला मैम, अरे मैम नहीं थी भाई, मैन था मैन, ठीक है, खुश अभी, राइट, सिंगल मैन, MAN वाला मैन, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा, सुमित सोनी सर, सर आप भी मजाक लोगे मेरा ना, राइट। चलो वैसे प्राची, ओके, दैट्स कूल, दैट्स कूल, राइट गाइस, आप सुमित सर का क्लास अटेंड करते हैं अकाउंट्स का? अभी आप देखे होंगे सुमित सोनी सर करके जो है उन्होंने डाला था कि मैम मैम नहीं मैम्स हो है बच्चों, ठीक है। सो सुमित सर का क्लास कब होता है सर? इफ़ यू आर देयर इन द लाइक आवर चैट बॉक्स, अभी भी है आप, तो बताइए आपका क्लास कब होता है, सो आई कुड सेंड माई स्टूडेंट्स टू योर क्लास, ठीक है। रमनप्रीत कौर क्या कह रही है? नो, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो सुमित सर का क्लास अराउंड 6 से 7 बजे होता है, तो डू अटेंड सुमित सर का अकाउंट्स का क्लास, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड आपको प्रोफेशनल लेवल का पढ़ाई मिलेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस, तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको पता चलता है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में जब तक आप लोग
रियल लाइफ के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, प्रैक्टिकल हिसाब के लाइफ के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, तब तक बेटा मतलब बहुत मुश्किल है, राइट? तो प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो तो प्रोफेशनल लोगों से ही आपको पढ़ना चाहिए, ओके? सो 6 PM अकाउंट्स का क्लास है, राइट? ठीक, किसका? हमें सर का, एंड डू अटेंड दैट क्लास, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कम से कम जो है यहाँ पर अराउंड 13-14 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सो आई विल रिकमेंड यहाँ से कम 10 बच्चे जो है वो 6 बजे वाली क्लास में पहुँचने चाहिए। एंड सबसे पहला मैं चैलेंज देता हूँ आर्ची को और रमन को, ठीक है, ये सबसे पहले 6 बजे एग्जैक्टली क्लास के अंदर में सर को हाई बोलेंगे, ठीक है? एंड आई वुड बी लुकिंग एट टू सर्स क्लास कि ये बच्चे आए कि नहीं, ठीक है? ये दो लोगों को चैलेंज है एकदम सबसे पहले हाई बोलने का, ओके? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। अनअकैडमी पर नहीं है, यूट्यूब चैनल पर है, इसी यूट्यूब चैनल पर है 6 बजे, राइट? नॉट एट अनअकैडमी, ओके? राइट, हाँ, सुमित सर मैरिड है, मैं मैरिड नहीं हूँ, ठीक है, सुमित सर मैरिड है, ओके? चलो, देखा सर, सुमित सर ने भी बता दिया, दैट्स ग्रेट, ओके? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7-1। देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और द कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड द फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड सप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बताइए ये जो बात है ना, ये जो लिखी हुई ना बेटा, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और द कंडीशन, ये सच बात है, ये ट्रू है, बता रहा हूँ क्या है, ये ट्रू है। असल में देखो कौन सी चीज होती है, केवियट एम्प्टर होता है, राइट गाइस? केविड एम्प्टर क्या बोलता है, लेट द बायर बीवेयर, इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, ठीक है? तो ये बात ट्रू है, और ये बात तभी लागू होती है जब क्या होता है बेटा, जब हमारा बायर अपना पर्पस किसको बताता है, सेलर को। जब हमारा बायर जो है हमारे सेलर के जजमेंट से क्या करता है बेटा, अपना जजमेंट देता है, अपना डिसीजन लेता है, और सबसे आखिरी में हमारा जो सेलर है उस चीज का क्या कर रहा हो बेटा, बिजनेस कर रहा हो, राइट? ये सभी चीजें रहेगी तभी हमारा क्या अप्लाई करता है बेटा, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई करता है, ठीक है? तो इसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है। पहले आपको थोड़ा सा किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, केवियट एम्प्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो बेटा, केवियट एम्प्टर पहले बताएंगे इसके अंदर में। केवियट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द बायर, बायर जाए भाड़ में, समझ में आया कि नहीं बेटा? बायर कौन है? बायर हमारी बसंती है, समझ में आया कि नहीं? ये मार्केट में जा रही है, समझ में आया कि नहीं? और हम लॉ पढ़ने वाले बच्चे उस बसंती को क्या कह रहे हैं, केवी अटेम्प्ट लगा हुआ है, बसंती इस कुत्तों के सामने जो है संभल के रहना, राइट? लेकिन बेटा ये कुछ एक्सेप्शन है उसके, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी एक्सेप्शन है। जब क्वालिटी एंड फिटनेस है तब हमारा केवी अटेम्प्ट काम नहीं करता, जब हमने ब्रांड नेम के अंदर में कोई भी चीज़ परचेज की है, किसी पैटर्न को जो है जानबूझकर हमने जो है खरीदा है, तो उस समय जो है केवियट एम्प्टर लागू नहीं होता। व्हेन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने गुड्स को खरीदा है तो डिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा हुआ है गुड्स वैसे ही आने चाहिए। आशीर्वाद आटा लिखा हुआ है तो आशीर्वाद आटा आना चाहिए, उसके अंदर में 10 किलो लिखा हुआ है तो 10 किलो आना चाहिए, राइट? मर्केंटेबल क्वालिटी, पंखा खरीदे बेटा, पंखे की हवा नीचे आनी चाहिए कि ऊपर जानी चाहिए? ऑब्वियसली उसकी जो है नीचे आनी चाहिए। एसी खरीदा, एसी ठंडा नहीं करता, गर्म करता है। कार है, कार को चलाने के लिए पीछे से धक्का मारना पड़ता है, तो जो उसका कमर्शियल पर्पस है वो कमर्शियल पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। हमने घोड़ा खरीदा ताकि हम जो है उसकी झुग्गी बना के उसको चला सके, लेकिन घोड़ा चलता ही नहीं, किसी घोड़ी को देखकर जो है रुक जाता है, उसको निहारता रहता है। अरे भाई ऐसा घोड़ा हमारे किसी काम का क्या, ऐसा घोड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। ओके गाइस, क्या ये लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे? देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ऐसी कोई भी इंप्लाइड कंडीशन वारंटी नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, केवी टेम्पटर होता है। लेकिन केवी टेम्पटर को हराने के लिए बहुत सारे क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आपको 2-3 लिखने पड़ेंगे। एक एक्सेप्शन कौन सा है बेटा, फिटनेस एंड क्वालिटी, फिर पैटर्न नेम, फिर मर्केंटेबल क्वालिटी, फिर डिस्क्रिप्शन, और क्या है सर, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जब हमारा फ्रॉड कर रहा है कोई बंदा, कोई भी ट्रेड यूजेस की वजह से जो है चीज डेविएट हो रही है, इस समय क्या नहीं अप्लाई करता है, केवियट एम्प्टर अप्लाई नहीं करता है। बेटा समझ में आ गया तो सीसी लिखो जल्दी से, राइट? बड़ा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने जो है इसको किया है काफी जगह पर, ठीक है? मनीष क्या बोल रहे हो, सकता है मतलब क्या हो सकता है?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते भाई। ठीक है, अमन, विष्णु, प्राची, रमन, खुशी, ध्रुव, शुभी। ठीक है, रुचिता भी क्लियर, आरची भी क्लियर। नहीं तो अनअकैडमी पे ऑलरेडी क्लास पढ़े हुए हैं बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वो वाले क्लास आप जो है रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो उसको। कभी कभी चले जाया करो यार वहां पे उनको देखने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लाइन एंड डिस्टेंस व्हिच इट बिटवीन द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले आपको पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, राइट ऑफ लाइन के रिस्पेक्ट में बात करनी है, उसके बाद में इसको किसके साथ में डिस्टिंग्विश करना है, स्टॉपेज इन ट्रांसिट। तो पहले राइट ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करोगे, तीन चार पॉइंट्स इसके बारे में लिखोगे, उसके बाद आप क्या बनाने वाले हो, डिस्टिंक्शन बनाने वाले हो किसके साथ में। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है भाई, ये वाले राइट को एक्सप्लेन नहीं करना है। कौन से वाले राइट को एक्सप्लेन करना है, ये वाले राइट को एक्सप्लेन करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, भले तो भी क्वेश्चन पेपर जो है दो बार पढ़ लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सही आंसर लिखकर आना क्वेश्चन के हिसाब से। राइट, पहले क्या लिखा हुआ है सर, पहले लिखा हुआ है कि राइट ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करना है, फिर डिस्टिंक्शन करना है किसके साथ में, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने का है। यस सर, समझ में आ गया हमको, आगे बढ़ो आप। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, राइट ऑफ लाइन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैन यू टेल मी सम पॉइंट्स। सर पहला तो इसके अंदर में क्या होता है, पहला इसके अंदर में कैश टर्म्स में बात होती है या फिर क्रेडिट टर्म्स में बात हुई है, लेकिन वो क्रेडिट टर्म जो है वो क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, और हमारा जो बंदा है या फिर वो क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट दोनों हो सकता है, लेकिन वो बंदा जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे नहीं दे सकता है। राइट, ऐसा कुछ भी हुआ है और हमारा बंदा जो है हमको पैसे नहीं दिया है, तो भले ही ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई हो, ठीक है, ओनरशिप जो है मे बी विद द बायर, मे नॉट बी विद द बायर। राइट, उस केस के अंदर में हम राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज रिटेन द गुड्स। ठीक है, और ये रिटेन द गुड्स विच आर ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द सेलर, सेलर के पास में जो गुड्स ऑलरेडी पड़े हैं बेटा, उन्हीं को वो क्या कर सकता है, अपने पास में रख सकता है। ही कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, बायर को जो है देने से मना कर सकता है। ओके एवरीवन, तो ये रहेगा बेटा राइट ऑफ लाइन, कब्जा करना गुड्स पे। ठीक है, उसके बाद में गुड्स को बेच सकता है क्या, कैन ही सेल द गुड्स, तो इसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस तभी देना पड़ता है जब किस तरह के गुड्स है बेटा, नॉन पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल समझता है ना बेटा आप लोगों को, ठीक है, पेरिशेबल जो सड़ गल जाते हैं उसको बोलते हैं पेरिशेबल, और जो नहीं सड़ते गटते हैं जैसे कि टीवी फ्रिज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पेरिशेबल। और इसके बाद ये गुड्स को क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है। यस सर। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है, देखो राइट ऑफ लाइन के अंदर में क्या होता है बच्चा लोग, इसमें जो है गुड्स को आप क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर में आप क्या करते हैं बेटा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर में आप बेसिकली जो है गुड्स को रीगेन करने की कोशिश करते हैं, गुड्स वापस लेकर आते हैं। यहाँ पर पोजेशन किसके पास में होता है राइट ऑफ लाइन के अंदर में, बता सकता है सर कोई भी, पोजेशन किसके पास होता है, सेलर के पास में। स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करना है तो पोजेशन किसके पास में रहता है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी। अच्छा सुनो, इसमें ना अनपेड सेलर कौन होता है ये पूछा नहीं है, जो आप ध्रुव बता रहे हैं ना बेटा, ध्रुव यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्या तेरे से अनपेड सेलर कौन होता है, तो क्यों लिख रहा है जबरदस्ती का, क्यों परेशान कर रहा है हमारे एग्जामिनर को, नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ यहाँ पे पूछा है कि राइट ऑफ लाइन क्या होता है। ठीक है, राइट ऑफ लाइन क्या होता है, अनपेड सेलर का मीनिंग लिखकर पूरा आधा पेज बर्बाद कर देगा अपना जो है एग्जामिनर, पहले अपनी बीवी से अड़ोस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करके बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, यस बहुत बढ़िया, किसके पास होगा बेटा, कैरियर के पास होगा या फिर किसी अदर बेली के पास में होगा फॉर ट्रांसमिशन। बेली का मतलब पता है क्या होता है भैया, आपने किसी को भी कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए रखने के लिए दी है, जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा तब वापस ले लेंगे। बाजू वाले घर की स्त्री को आप लेकर आ गए, यूज किया वापस कर दिया, स्त्री पता है ना बेटा आयरन, ठीक है, आयरन लेकर आए, आयरन जो है वो आपने यूज करके वापस कर दिया। ओके, आपको क्या लग रहा था, गलत सोचे बेटा आप लोग, राइट। तो बेटा आप जिससे वो स्त्री लेकर आए, वो आयरन लेकर आए, वो बंदा क्या हो जाएगा, बेलर, आपका हो जाएंगे बेटा बेली। मान लो मैंने हेमू को एक ये गेम दिया, ये टिकटॉक का गेम है, पेन पेन स्टैंड जैसा दिखता है, ठीक है, तो मैंने जो है हेमू को ये टिकटॉक का गेम दिया ध्रुव को देने के लिए,
तो अपनी हेमू क्या बन गई थोड़ी देर के लिए, हेमू जो है थोड़ी देर के लिए सिंपली बेली बन गई, समझ में आया कि नहीं। अब मेरे को पता चला ध्रुव किसी के भी पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं फोन करूंगा किसको बेटा, हमारी बेली को फोन करूंगा, केरियर को फोन करूंगा, हेमू उसको गुड्स मत देना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। टेलर 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 लिखा है कि बेलर लिखा है, राइट? यस, टेलर को भी हम लोग क्या करते बेटा, अपने शर्ट्स जो है सिलवाने के लिए देते हैं। रुके, तो शर्ट जब सिल के हो जाती है तो हम वो शर्ट का कपड़ा या शर्ट जो है पूरी की पूरी वापस ले लेते हैं। तो टेलर एक्चुअली क्या होता है बेटा, टेलर बेलर नहीं होता है बेटा, टेलर क्या होता है, टेलर इज अ बेली, राइट? टेलर कौन होता है बेटा, बेली होता है। ट्रांसपोर्ट वाला बंदा भी क्या होता है बेटा, बेली होता है। कैसा भाई, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, दिल पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ यार हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए अपन लोगों को, राइट? यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जब आपने विदाउट स्टेपुलेशन बेचा था, यानी क्या कैश में बेचा था, राइट? उसके बाद या तो आपने किस में बेचा था, क्रेडिट में बेचा था, लेकिन क्रेडिट के टर्म्स क्या हो गए, एक्सपायर हो गए हैं, या फिर क्या हुआ है बेटा, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। देखो मेरे मन में कैसे फिट है गाइस, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने से कुछ नहीं होता, मेरे दिमाग में कैसे चीजें फिट होती, देखो एग्जैक्टली वैसे ही वर्ड्स निकले जैसा आपकी बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि सर मैंने पढ़ा उस समय, मैंने जो मेन चीज है उसको याद रखा। क्या लिखा था बेटा, कैश, या फिर क्या लिखा हुआ बेटा, क्रेडिट, बट टर्म क्या हो गया, एक्सपायर, या फिर वो बंदा क्या हो गया जिससे हमको पैसे लेने हैं, वो हो गया इंसॉल्वेंट। यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, 100% वाला मजा आया। कैसा मजा आया, बहुत ही सिंपल है सर, आगे से हम लोग देखेंगे बेटा, राइट ऑफ लाइन, कैश, क्रेडिट टर्म एक्सपायर, या फिर इंस्टॉलमेंट, खत्म बात। पूरा सेंटेंस दिमाग में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब अपनी बुक में जाते हैं बेटा, तो अपनी बुक में कई बच्चे क्या करते हैं, इतनी गोदागादी करते हैं बेटा, हर एक सेंटेंस को ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं। अबे सबको अंडरलाइन करोगे तो मतलब क्या, देखो विदाउट एनी स्टेपुलेशन टू क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, कैश, तो मैंने ऊपर में कैश लिख दिया, या फिर वो क्रेडिट का टर्म क्या हो गया बेटा, एक्सपायर हो गया है तो उसको हाईलाइट कर दिया, या फिर वो बंदा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। अब कभी भी जिंदगी में रात को 2 बजे भी आप लोग सीए का पेपर ले लो, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि राइट ऑफ लाइन क्या होता है, फट से 3 चीजें लिख दूंगा अपनी लैंग्वेज के अंदर में। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग, ठीक है? यस सर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके एवरीवन। उसके बाद उसको और एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया जब हमने किसी और कैरियर को या फिर बेली को ये गुड्स दे दिए, तो हम राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर हमारे बायर ने गुड्स को जो है लॉफुली जो है ऑप्टेन कर लिया, तो हम राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या फिर हमने अपनी लाइन को वेव कर दिया, तो अब वेव कर दोगे तो करना ही क्या है बेटा, आपका तो राइट ऑफ लाइन खत्म हो गया। आपने बाजीराव मस्तानी की टिकट खरीदी, लेकिन टिकट खरीदने के बाद आप मूवी देखने ही नहीं गए, तो बेसिकली तो आपने वेव ही कर दिया ना भाई, राइट? कैसा बच्चा, तो ये आपको कुछ शब्द लिखने हैं किसके बारे में, राइट ऑफ लीन के बारे में कुछ शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है? आपने जब राइट ऑफ लीन के बारे में कुछ शब्द लिख दिए, तो उसके बाद में जो है थोड़ा आपको आगे बढ़ना है और डिस्टिंक्शन करना है किसके साथ में, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के साथ में, राइट? तो अब देखते बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या क्या है, ओके राइट गाइस। देखो 2 क्वेश्चन है, और ध्रुव क्या लिख रहा था, ध्रुव लिख रहा था अनफिट सेलर क्या होता है। ध्रुव बोलेगा सर मेरे को आता है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, अरे भाई तेरे को आता तो गाना गाना भी है, तो गाना गाना लिखने आ जाएगा क्या वहां पे, गाना गाएगा क्या वहां पे एग्जाम के अंदर में, सब चीजें नहीं लिखनी है जो आती है, पता चला गाना आता है तो अगले गाना लिख दिए, महबूब मेरे महबूब, ऐसा नहीं लिखने का है बेटा, गाना वाना नहीं लिखते बेटा उसके अंदर में, राइट? बीकॉम के एग्जाम में आप कर सकते हो, वहां पे तो गाने लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, पूरा जो है आप पेपर लिखो, पेपर के बीच में गाना डाल दो, ठीक है, शायद उसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलो डिस्टिंक्शन करते भाई, डिस्टिंक्शन करेंगे बिटवीन विच 4 पॉइंट से बेटा, डिस्टिंक्शन के नंबर 1 पॉइंट कौन सा बेटा, यहाँ पर रिटेन करते हैं तो यहाँ पे रीगेन करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, जो हमारे पास में है उसके गुड्स पर हम लोग लाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और जहां पर हमने जो है कैरियर को क्या दे दिया बेटा, गुड्स दे दिया है, या फिर बायर ने अभी तक जो है गुड्स अक्वायर नहीं किया, वहां पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3, ठीक है, देखो लाइन के केस में जो है सामने वाले बंदे ने कैश नहीं दिया, उसका जरूरी नहीं है इंसॉल्वेंट होना,
ये जो तीन कंडीशंस आपने पढ़ी है तीनों के बीच में क्या है बेटा, और है, दिख रहा है बेटा, और यहाँ पर भी पहले से क्या लिखा हुआ है, और तीनों में से कोई एक कंडीशन जरूरी नहीं है कौन क्या हो जाए बेटा, इंसॉल्वेंट हो जाए, बल्कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर में वो बंदा क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बंदा कैसा वाला इंसॉल्वेंट होना चाहिए, कमर्शियल इंसॉल्वेंट होना चाहिए। उसने लोगों को क्या देना बंद कर दिया बेटा, पैसा देना बंद कर दिया। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट द्वारा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच में होता है ऐसे, मतलब किस बारे में पूछ रहे हो प्राची? कौन सा सच आपको जानना है, ठीक है। अब बात करते बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लाइन एंड्स। जब राइट ऑफ लाइन खत्म हो जाता है तब क्या शुरू होता है बेटा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है, और राइट ऑफ लाइन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ स्टॉपेज, ठीक है। राइट ऑफ लाइन किसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, राइट ऑफ स्टॉपेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। बीकॉम में होता है भाई, बीकॉम का नाम क्या है, बीकॉम का मतलब क्या होता है, देखो बीकॉम का मतलब ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बीकॉम को हिंदी में कैसे लेते हैं बेटा, बी काम, ठीक है, काम, ठीक है एवरीवन। और बेटा एक्चुअली में उसका नाम जो है हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी में बोले या फिर इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में बीकॉम का मतलब होता है बेकाम, समझ में आया कि नहीं, कोई काम का नहीं होता है, वो होता है बीकॉम। सर फिर क्यों करते हैं बेटा, डिग्री मिल जाएगी ना आप लोगों को तो उसके बाद में आप लोग MBA वगैरह के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है, ओके एवरीवन। तो आपको अगर बीकॉम करना ही है तो पुणे वगैरह से कर लो, पुणे या फिर मुंबई से कर लो, दिल्ली वगैरह से कर लो, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो, तो दैट वुड बी ग्रेट। पर नागपुर यूनिवर्सिटी या फिर जो है छोटी मोटी यूनिवर्सिटी थी मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, वहाँ से नहीं करना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। या शादी के लिए डिग्री, शादी के लिए बेस्ट डिग्री है बीकॉम, कोई भी बोलने में आ जाता है आराम से कि भैया हम लोग कौन है, हम लोग ग्रेजुएट है, हमारा ग्रेजुएट किया हुआ है, हम सेकेंड ईयर तक पढ़े हुए हैं, हम 14th पढ़े हुए हैं, सबसे बेस्ट तो मैंने ये सुना था कि मैं 14th पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। फिर बाद में उसने बताया नहीं नहीं सेकेंड ईयर, फिर मैंने पूछा सेकेंड ईयर मतलब, सेकेंड ईयर पास की फेल, सेकेंड ईयर फेल जी, अच्छा सेकेंड ईयर तो फर्स्ट ईयर पास हुए थे क्या, नहीं वो फर्स्ट ईयर में 80 KT आई थी ना, तो उसमें ना 8 में से मैं 6 पेपर में फेल हो गई थी, अच्छा तो इसका मतलब आप सेकेंड ईयर तक गए थे लेकिन फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पाए थे, हाँ ऐसा है, वाओ सो मच एजुकेशन ना, ठीक है। चलिए अब है बेटा पार्टनरशिप पे क्वेश्चन, अबे अभी भी बहुत टाइम बचा है गाइस, आपका क्या मैसेज है हेमू, क्या मैसेज भेजा आपने, ठीक है। मन नहीं करता पढ़ने का तो सर आप मोटिवेशनल कर दो, मोटिवेशन ये है कि मैं आपको बताया था उस दिन आपने जो है क्लास अटेंड नहीं की होगी, मैंने आपको बोला था एक बुक खरीदो करके, कितने लोगों को पता है बेटा वो बुक खरीदने के लिए बोला था, अमेजोन से आज के आज वो बुक मंगवाओ जल्दी से, ठीक है, और वो बुक पढ़ना शुरू करो, राइट, 13 Steps टू ब्लडी गुड मार्क्स, ठीक है, वो बुक पढ़ना जल्दी से जल्दी शुरू करो, ठीक है। उसमें आपको जो है बहुत सारी प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिलेगी किस तरह से जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। 30 days है, 30 days में रोज आप 3 से 4 पन्ने भी इसके पढ़ोगे तो आराम से जो है आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा उसके अंदर, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सो गो ऑर्डर दैट बुक, ठीक है। कितने रुपए की किताब है, 40 या 50 रुपए की किताब है, वो इतनी प्यारी किताब इतनी मेहनत से बनाई उन लोगों ने, या फिर अमेजोन में आप लोग जो है किंडल करके आता है, एक ऐप आता है किंडल ऐप करके आता है अमेजोन में, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अमेजोन से जो है वो किंडल ऐप में ही मंगवा सकते हो, 30-40 रुपए की किताब आ जाएगी आपके इसके अंदर में, किसके मोबाइल के अंदर में, फिर पढ़ो चुपचाप उसको, एक एक आप जो है चैप्टर पढ़ोगे एक एक दिन के अंदर में तो आराम से 15 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, और मैं आपको बताता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, राइट, ठीक है। बुक नेम 13 Steps टू ब्लडी गुड मार्क्स, 13 Steps टू ब्लडी गुड मार्क्स, ठीक है।
अश्विन सांगी की किताब है, काफी अच्छी किताब है, आपको ये पढ़नी चाहिए, राइट? ओके, अभी एग्जाम के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह की और बुक्स पढ़नी चाहिए। और बहुत मोटिवेशन है, मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेशन के पूरा पूरा का पूरा चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपकी एग्जाम होने दो, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे, ठीक है? राइट, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हमारा टाइम भी लगभग लगभग होने आया है, 55 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करते बेटा। नंबर वन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यस, कोई नया बच्चा है क्लास के अंदर में? शरयू पाटिल, हेलो शरयू, टेल द नेम अगेन। ये लिखा ना बेटा, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। नाम है बेटा अश्विन संघी या सांघी वगैरह कुछ तो नाम है, देख लेना आप लोग, ठीक है? अश्विन सांघी करके नाम है उसका, ठीक है? अच्छा नाम है, ठीक है? उसके साथ में एक और बंदा भी है, दो जनों ने को ऑथर की है, ठीक है? और जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो इनका जो है ब्लडी गुड मनी वेल्थ भी लिखा हुआ है, ब्लडी गुड लक के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, तो देख लेना है, ठीक है? चलिए आते देखते बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको देखते बेटा। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर में? राम एंड कंपनी फर्म कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्टनर्स ए बी सी हैविंग 1/3 शेयर ई, सबका जो है इक्वल शेयर है। अकॉर्डिंग टू ए एंड बी एक्टिविटीज ऑफ सी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप दैट वॉन्ट्स टू एक्सपेल द सी, सी को ये निकालना चाहते हैं। बताइए दोस्तों, एक्सपल्शन के लिए क्या करना पड़ता है? चार पॉइंट्स बताइए जल्दी से जल्दी, ठीक है? सर पहला पॉइंट विष्णु बताएगा, पहला पॉइंट सेकंड मयंक बताएगा, थर्ड जो है ध्रुव बताएगा और लास्ट वाला जो है शरयू बताएगा। कम ऑन, लेट मी नो, ठीक है? सर मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं ना, तो देयर शुड बी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है? प्रोविजन इन डीड होना चाहिए, डीड में अगर प्रोविजन नहीं है तो उसको निकाल नहीं सकते। सेकेंड सर, हम उसको निकाल लेंगे ना तो उसके लिए क्या लगेगा? मेजोरिटी लगेगी, ठीक है? यहाँ पर जो है यूनानिमस कंसेंट, ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है। थर्ड सर, हम उसको निकालेंगे ना तो फर्म के गुड फेथ के लिए निकालेंगे, राइट? फर्म के जो है बोनाफाइड पर्पस के लिए निकालेंगे, हम लोग मैलाफाइड पर्पस के लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है? और सर इसको निकालने से पहले वी विल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, ठीक है? उसको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड भी मिलेगी, उसको जो है बोलेंगे कि भैया तेरे को निकाल रहे, तेरे को कुछ बताना है तो बता, राइट? वेरी गुड, ठीक है? उसको नोटिस देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड में सब आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर में नोटिस भी आ जाता है। ओके, दैट्स प्रीटी ग्रेट। सब लोगों ने अभी एग्जाम के अंदर में आया ना, मुझे बताओ दोस्तों कितने लोग जो है आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं? इतना प्रैक्टिस करवा दिया ना एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, कि हम सब लोग लिख सकते हैं सर, इसमें कोई गलती नहीं होगी हमसे, ठीक है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब देख लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूट क्या लिखता है। देखते बेटा इंस्टीट्यूट क्या लिखता है। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ द हर्ड होना चाहिए। सर सब सब वैसा वैसा जैसे आपने बोला, जैसे हमने लिखा, मजा आ गया सर, मजा आ गया, तगड़ा क्वेश्चन था, दैट्स रियली वेरी ग्रेट, ठीक है? चलो आखिरी के कितने मिनट बचे भाई हमारे पास में, लेट मी नो। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, ठीक है? 2 मिनट में क्या करेंगे सर? सर 2 मिनट में हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है? वॉट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड मे कंटेन, पार्टनरशिप डीड के अंदर में क्या क्या हो सकता है, राइट? तो बेटा बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप 50, 5,000, 10,000 जितनी भी चीज़ें आप डालना चाहते हो उतनी चीज़ें आप पार्टनरशिप डीड के अंदर में डाल सकते हो, देर इज नो थिंग, ठीक है? बस इतना आप लिखो कि ये सब मिलकर जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके बाद जितनी चीज़ें आप डाल सकना चाहते हो उतनी चीज़ डाल सकते हो, राइट? तो देख लेते हैं बेटा क्या क्या रहेगा इसके अंदर में। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हर पार्टनरशिप डीड के अंदर में होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? बेसिकली ये पार्टनरशिप डीड जो है एक डॉक्यूमेंट है, इसके बेसिस पे पार्टनरशिप बनी है ये पता चलता है। ये राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, और आपने इसको जो है रजिस्टर्ड भी करवाना चाहिए, ठीक है? हालांकि रजिस्ट्रेशन कैसा होता है सर जी? सर जी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, ठीक है? चलो देखते हैं बेटा, नंबर वन नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नंबर टू नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नंबर थ्री प्लेस ऑफ द बिजनेस, कब शुरू किया आपने पार्टनरशिप, आपने जो है पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप एट विल समझा जाएगा, ठीक है? किसने कितना पैसा लाया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नॉट मैंशनड है तो आपको पता है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग अगर मैंशन नहीं रहता है तो उस केस के अंदर में सबका जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट? एडमिशन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के बारे में लिखा रहेगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्रॉइंग पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन्स पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर लोन्स पे इंटरेस्ट नॉट मेंशनड है तो आपको पता है कितना परसेंट मिलता है? यस सर, हमको पता है कितना परसेंट मिलता है, 6% पर एनम मिलता है, राइट। उसके बाद सैलरीज का क्या रहेगा, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स का क्या रहेगा, राइट, रिजोल्यूशन के समय किस तरह से सेटलमेंट होगा, सैलरीज ऑफ द कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर इन द केस ऑफ द ग्रॉस ब्रीच ऑफ द, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए कि अगर कल को तूने जो है मेलाफाइड पर्पस शुरू किया तो हम तेरे को क्या कर सकते हैं, फॉर्म से निकाल सकते हैं। अच्छा, उस बंदे को फॉर्म से निकालेंगे तो उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे, उसने जो कैपिटल लगाया था वो उसको देंगे कि नहीं देंगे, बताइए राइस, यस और नो में जवाब दीजिए। मैटर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यस वो भी लिख सकते हो, राइट। सर कौन सा है, अकाउंट्स का, अकाउंट्स का क्या है बेटा, ये हमारा लॉ का है क्वेश्चन, ठीक है, हमारे लॉ का क्वेश्चन है भाई। यस राइट, उसको अगर निकाल भी रहे हो तो उसको क्या, किसका हिस्सा देना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा। हो सकता है उसको और किसका हिस्सा देना पड़े, गुडविल का भी हिस्सा देना पड़े, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ गुडविल का हिस्सा भी देना पड़ सकता है, राइट गाइस। हालांकि जितना भी उसने फ्रॉड किया है उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ है ना बेटा, वो लॉस आप उसको वसूल कर सकते हो, सेक्शन नंबर 13 है मेरे ख्याल से, ठीक है, सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से अगर वो बंदा कोई भी फ्रॉड करता है, सो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर दैट लॉस कॉज बाय बिकॉज ऑफ हिज विलफुल निगलेक्ट और बिकॉज ऑफ हिज लाइक मेलाफाइड माइंड, ठीक है। तो बाकी कल मिलेंगे गाइस, कल अपन जो है ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है तो हमारे ट्रांसफरी को क्या क्या राइट्स मिलने वाले हैं, किस किस केस के अंदर में जो है कोर्ट इसको डिसॉल्व कर सकती है वो अपन पढ़ेंगे, राइट। फिर आप देख सकते हो और भी क्वेश्चंस है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। कंपनी एक्ट के ऊपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कल ये कब पढ़ेंगे बेटा, 4 से 5 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे, कहाँ पर, यूट्यूब के अंदर में, ठीक है। तो जितने भी लोग नए आए हैं वो जो है ध्यान रखें इस चीज़ को, राइट। देन उसके बाद में सर हम लोग 1 से 2 बजे वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग वहाँ पर जो है रिविजन कर रहे हैं, राइट, और मिलते हैं रात को 10:55 पे। वहाँ पे क्या करेंगे सर हम लोग, वहाँ पर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पे MCQs करने वाले, ठीक है, चलो। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, मीट यू देयर एट अनअकैडमी, प्राची आप भी आना, राइट, चलो टाटा बाय बाय, ठीक है। सो आई एम मेकिंग अ रिवर्स काउंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ वापस से, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप मेरा ही कोड इस्तेमाल करेंगे, माई कोड इज PINKESH, गो गेट द सब्सक्रिप्शन टुडे, क्योंकि कभी भी स्कीम बंद हो जाती है, कभी भी रेट्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको जो है जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। एंड बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, काफ़ी सारे लोग आपने से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन प्लस के फीचर्स अभी तक आपने नहीं देखे तो उसको देखने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गो गेट द सब्सक्रिप्शन, ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।